तो सवाल है मोहम्मद इमरान है हैदराबाद से। सवाल बहुत तवील है, बॉटम लाइन जो है मैं वो अर्ज़ कर देता हूँ कि जी बड़े बड़े साफ़ी घंटों के प्रोग्राम कर रहे हैं, आप ही बताएं कि इस वक्त हो क्या रहा है और पसे पर्दा चल क्या रहा है। तो एक स्कूल ऑफ थॉट वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ जो काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगा। ठीक है, एक बात मैं अपने दोस्तों भाइयों मेरी तो ये फैमिली हो आप लोग मैं शेयर कर लूँ, मेरे पैमी तो मत ही है, मैं जर्नलिस्ट वगैरह हूँ नहीं, उसकी वजह कि मेरा पीरियडिकल्स का बैकग्राउंड है। जर्नलिस्ट वो होता है जिसने न्यूज़ रूम का चिल्ला काटा हो या रिपोर्टिंग की मार खाई हो, मैंने ये दोनों काम ज़िंदगी में नहीं किए। मैं बेसिकली एक लिखने वाला आदमी हूँ, चूँकि पीरियडिकल्स के मैं बहुत से पीरियडिकल्स का एडिटर रहा हूँ तो मेरे पे वो, लेकिन ठीक है वो ऐसी तोहमत नहीं है जिस पे जिसको मुझे डिसोन करना हो, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तादा तरीन जो एक थीसिस फ्लोट हुआ है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो ये है और वो कुछ चीज़ें सामने की हैं, आप भी देख रहे हो कि हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पीडीएम का सरबराही इजलास जो है मुखर कर दिया गया है। हज़रत मौलाना फजल रहमान जो हैं वो गायब हो गए हैं, ज़र ज़मीन चले गए हैं और नए सेटअप की तैयारी शुरू है। नवाज़ शरीफ वाला चैप्टर मुकम्मल तौर पे ज़ाहिर है क्लोज्ड है। इम्कान ये है कि मरियम नवाज़ को अपने उनके अबू अब्बा डैडी जो भी हैं उनके पास भेज दिया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब चूँकि मुतवाजन साबित हुए और जिसे कहते हैं सब्र की एक हद होती है, तो शायद उनके साथ कोई मामला तय हो जाए और जरदारी साहब का जो रिसेंटली रोल रहा है पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव, ये दो लफ्ज़ मैं इन्वर्टेड कॉमास में गुफ्तगू में इन्वर्टेड कॉमास नज़र नहीं आते, मैंने कहा मैं वैसे आपको बता दूं, उनका जो रोल रहा है उनको NRO मिलने के इम्कानात खासे रोशन हैं। और जब बात होती है शहबाज शरीफ की तो ज़ाहिर है हमज़ा इसमें शामिल हैं, बाप बेटा हैं वो, उनके साथ पहले भी बहुत ज़्यादतियाँ हो चुकी हैं, आज नहीं तो कल अगर यही सिलसिला रहा जो बादशाहों का होता था, यानी बाप के बाद बेटी या बेटा चाहे नालायक हों या जो भी हों, तो ये अब थोड़े से तो ज़माने ज़ाहिर है बदल ही गए ना, अब ज़िले सुबहानी और महाबली और अकबर आज़म का दौर तो है नहीं, इसलिए ज़ाहिर है तो अगर इस ख़ानदान ने सर्वाइव करना है तो अपरेंटली जो लगता है कि वही शहबाज शरीफ वगैरह, तो दे विल बी टोटली डूम्ड। मरियम को चूँकि वो ज़रूरत से ज़्यादा बहादुरी और पागलपन में फ़र्क होता है, अदम तवाज़ुन का वो थ्रू आउट शिकार रही हैं। बहरहाल मोटी सी बात ये है कि नए सेटअप का कोई इम्कानात शायद बनते नज़र आ रहे हैं, बाकी बस पर्दा क्या हो रहा है वो ये तो शवाहद हैं जो कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं वो आपके सामने मैंने एक उल्टी सीधी तरतीब के साथ पेश कर दिया है, बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी मैं आपको एक बात बता दूं, जो हो चुका है इस मुल्क की इकॉनमी के साथ ये प्रॉब्लम है, हम पता नहीं सच बोलते नहीं या आई डोंट नो, हमें खुद ही समझ नहीं आती, ये जितना डैमेज हो चुका है ये कोई साल दो साल वाला केस है नहीं। मैं कितनी देर से एक बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में 15 से 20 साल का एक रोड मैप कंटिन्यूटी के साथ, प्राइमरी एजुकेशन बेसिक बात है, किसी को समझ आए ना आए मैं कन्विंस्ड हूँ, गलत हो सकता हूँ, प्राइमरी एजुकेशन से लेके पॉपुलेशन मैनेजमेंट 15 से 20 साल तक का रोड मैप और उसको हिस्सों में तकसीम करके
जो बहुत ज़्यादा क्लासिफाइड बात है, कोई हसास मौजू है, उसमें आप आवाम को एतमाद में ना लें, वो शेयर ना करें। लेकिन मोटी मोटी बात कि फर्स्ट 5 ईयर्स ये होगा, पहले 2.5 साल में ये, दूसरे 2.5 साल में ये होगा, फिर उसके बाद 2.5 साल में ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, सच बताओ, झूठ मत। एक ज़माने में होता था हमारी तिब्बी दुनिया में कि मरीज को बताया नहीं जाता था कि वो बहुत क्रिटिकल और सूरत हाल बहुत ख़राब है। फिर एक स्टेज आई जब इसको रिविज़िट किया गया और जो डॉक्टर हजरात थे या तिब की दुनिया के, उन्होंने कहा नहीं, अपने पेशेंट को पूरी तरह एतमाद में लो। हम उधर ही फंसे हुए हैं कि ये मरीजों की कौम है। मर्ज क्या है? भूख, नंग, गुर्बत, बेरोजगारी, जहालत, ये अमराज हैं हमारे। इनमें धोखा देना कि बस अभी आया, अभी आया, अभी आया, ये नहीं होना। एक बात तो मैं आपको पूरे एतमाद से कह सकता हूँ, कोई मौजज़ा हो जाए तो मौजज़े होते नहीं, अब मौजज़ों के ज़माने गए, अब काम करना पड़ता है। ठीक है, ये साइंसी दौर है। आप अगर गौर करके देखें अपनी सोसाइटी को, कभी इर्द गिर्द देखें तो पागल कर देने वाला माशरा है आज। अगर 35-40 साल का बंदा, नौजवान, ये बात करे कि मेरे तो बचपन में ऐसा नहीं होता, तो वो 100% ठीक है। जो बच्चे इस वक्त 20-25 साल के, उनको नहीं पता होगा, जब टैलेक्स आया मैं हैरान रह गया। टैलेक्स ऑपरेटर बाकायदा एक टेक्निकल सा काम समझा जाता था, टैलेक्स खत्म हो गई, फैक्स आई, मैं हैरान रह गया। बीच में एक पेजर आया, ऑल दिस इज हैपन मेरा ख्याल पिछले कोई 20-25 साल में। इनकलाब आते 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 कहाँ क्या है? आपको पता है दुनिया में गोश्त और दूध कैसे पैदा हो रहा है? नोबडी हैज एनी आइडिया। ये पोल्ट्री क्या है? ये बहुत अजीबो गरीब तरह की दुनिया है। हम जैसे लोगों को जहाँ बुनियादी तालीमी अवेलेबल नहीं है, उनको ये बात समझ आ नहीं सकती। देखें, यह जो आसमान है ना, आसमान, कभी ये फरिश्तों, देवताओं, परिंदों और बलाओं के लिए इंसान सोच भी नहीं सकता था। अभी कल की बात है, राइट ब्रदर्स ने जब वो किया, उसके बाद अब मरीख और चांद मजाक बन गए हैं। बूथे उठा के, टिकट लेके जहाज़ों में घुस तो जाते हैं, सोचते नहीं कभी कि टनों के हिसाब से ये लोहा हमारा और हमारे गुनाहों का वजन उठा के लेके जा रहा है। घंटों की मार रह गया ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और फलाना टमकाना, वरना वो 7 घंटे की फ्लाइट इंग्लैंड, 7 घंटे में तो दिल्ली से लाहौर नहीं आया जाता था। दुनिया बहुत बुरी तरह तब्दील हो गई है, हमें समझ नहीं आ रही। बदनसीबी है, समझ आती है जब बंदे को जेन्युइन तालीम मिले। इस मुल्क में 80% एजुकेशन फेक है, झूठ है, बेहुदा है। ये अरबी जबान पढ़ाने चले, अल्लाह माफ करे जिनकी मादरी जबान अरबी है, वो कौन सी तोपें चला रहे हैं? पैसे की भी बरसात हो गई उन पे, फिर भी वही आज भी किनके इशारों की तरफ देखते हैं, किनके हाथों की तरफ देखते हैं? तो तुम अरबी सी, और यहाँ अरबी सिखाने वाला इस मुल्क में मेरा ख्याल है 10-20 बंदों के अलावा है कोई नहीं। यहाँ क्या अरबी पढ़ाते हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का तर्जुमा पढ़ाते हैं, शुरू करता हूँ 7 नाम अल्लाह के, और शुरू करता हूँ कहाँ से डाल लिया तुमने? बचपन से पढ़ाना शुरू करते हैं कि ग़ज़वाए खंदक में वो एक साहबी आया, उन्होंने कहा भूख, पत्थर, हुजूर ने कहा 2 पत्थर हुए, क्या पढ़ा रहे हो? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ हजरे अस्वद की वजह से जाहिल आदमी भी जानता है हजरे अस्वद काला पत्थर है। ये बहुत कम लोगों को पता है कि हजर गांठ को भी कहते हैं। तो हमारे यहाँ जब कुदाल चलाते हैं कि नहरों में, खेतों में पानी लगाना हो, फलाना करना हो, तो पटका बांध लेते हैं, चूंकि स्पाइन जो है आपकी रीढ़ की हड्डी वगैरह काबू में रहती है, अदरवाइज झुक के कुदाल चलाना मुश्किल। तो आपको तो बुनियादी चीज़ों का, सब्र का मतलब किसी से पूछ लेना, ईमान का मतलब किसी से पूछ लें,
शरिया का मतलब किसी से पूछ लें, अमीरुल मोमिनीन, ये हमारे सियासतदान भी कहते नहीं थकते, इनसे कभी पूछो तो सही अमीर का मतलब क्या है, ये समझें ताकतवर, दौलतमंद, सरबरा, नो। सो ये दूर तक का मामला है, जितनी देर में बर्बादी हुई है को बड़ी फुर्ती दिखाएगा तो उतनी देर में रिस्टोर कर लेगा, और बहुत लंबा खाता हो गया, बहुत लंबा। मैं तो बहुत पहले से कम पिछले इलेक्शंस में मैंने ये मिसाल दी थी कि सूरत हाल ये है कि तूड़ी कहते पंजाबी में, भूसा उर्दू में मेरा ख्याल कहेंगे, कि तूड़ी की एक आदमी के सर पे बहुत बड़ी पांडो गठड़ी, वो गठड़ी खुल जाए और तेज आंधी आ जाए, वो भूसा बिखर जाएगा, उसको समेटो, बस जितनी देर उसको समेटने में लगेगी उतनी देर ही माशी मामलात को समेटने में लगेगी। कहीं ना कहीं से शुरू करना होगा, लोगों को एतमाद में लेना होगा, लोगों को सच बताना होगा, लोगों को आला तालीम देनी होगी। इस वक्त कचरा है, कचरा। ये जो हाई प्रोफाइल स्कूल्स हैं, महंगे स्कूल्स हैं, ये भी मैं सच्ची बात आपको बताऊं, ये बेसिकली लैंग्वेज स्कूल्स हैं, इल्म उल्म नाम की चीज़ कोई नहीं है। क्लासरूम में अगर मेरे हैं जानने वाले जो प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स, उनसे बात होती है, कोई ढंग की बात की जाए तो उनका इस्लाम खतरे में पड़ जाता है। और याद रखें, एक ज़माने में अहले मगरब पे ये वक्त आया था, वो कहते थे मुसलमान जो आलिम हैं, वाकई आलिम फिलोसोफर्स हैं, उनकी किताबें नहीं पढ़नी, ये हमें कुफर की तरफ ले जाएंगी। आज यही बात हम करते हैं, ये किताब बैन कर दो, वो किताब बैन कर दो। पिछले दिनों, वे अभी 2-4 महीने पहले की बात है, लेस्ले हज़ल्टन की किताबें पाकिस्तानियों ने बैन की हैं हुकूमत ने, मैं सर पकड़ के बैठ गया, अव्वल तो बात तुमने फजूल की है, दूसरी बात यह है कि इतनी देर बाद होश आया, अगर बैन करनी थी जब आई, और मैंने तो वो खरीदी क्या को पता नहीं 12-14-15 साल पहले, 10 साल पहले, तुम्हें आज होश आई। पहली बात तो किताब बैन न करो, किताबें बैन करने के लिए नहीं होती, किताबें होती हैं कंटेस्ट करो, दलील का जवाब, अगर किसी ने दलील दी है भोंडी हो तो फिर तो बहुत आसान है, अगर तगड़ी है तो फिर उससे ज्यादा तगड़ी दलील दो, लेकिन नहीं, कल्चर ही और है, कल्चर ही और है, गाली से शुरू हो के छुरी पे ख़त्म होता है, गाली से शुरू हो के गोली पे ख़त्म होता है। तो इस माशरे का महारा अल्लाह मालिक, चलो।